अंजलि, तू जिससे प्यार करती है उसका नाम क्या है? तुझे से बात कर रहा हूं। मास हाँ, चौंक क्यों गए? वाकई गुस्सा हो या फिर उससे मुकाबला नहीं कर सकते? सुनो, ये इस कमरे से बाहर ना निकले। भाई ये सब मत सोचो तुम। रोना धोना, भाग जाना और भूखे रहना, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरे मास पर मुझे पूरा यकीन है। डरने की जरूरत तो आप लोगों को है, मैं बस बैठ के तमाशा देखूंगा। आप सही कह रहे थे, वो लड़का मास है। नाम के अलावा अंजलि ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस मास को मारूंगा। फिर से गलती कर रहे हो शत्रु, वो इसी शहर में है। तुम्हें देवी तारीखों पर हमला कर रहा है, मतलब वो कहीं और नहीं होगा, वो यहीं पर है इसी शहर में। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार उसने कब बात की तुमसे? कल ही आया था। क्या कहा था उसने? कह रहा था जिस शादी में मैं गया था वो भी वहां मौजूद था, मेरी तारीफ की, अंजलि से भी बात की और भी काफी कुछ। जे बात, बड़े से बड़ा अकलमंद भी कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है, और मास ने भी वही किया। होशियारी के चक्कर में उसने बता दिया कि वो शादी में आया था। जल्दी से वो वीडियो कैसेट मंगाओ, उसमें तुम्हें वो दिखेगा। करो। यही है तुम्हारा मास। भाई ये कहां रहता है मुझे पता है। एक तरफ तुम और तुम्हारी पूरी गैंग, दूसरी तरफ वो अकेला। असली खेल तो अब शुरू होगा। ऑल द बेस्ट। ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमने कौन से गुनाह कर दिया है, जाने दीजिए। मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए। आखिर इसने क्या किया? यही है मास। ये मास नहीं है, ये गणेश है। गणेश, इसका नाम मास नहीं है भाई, ये तो गणेश है और ये हमारे साथ ही रहता है। हाँ भाई हम सच कह रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग में ही रहता है। आप लोग कुछ बताइए ना। हाँ सच्चाई है, हमारे साथ ही रहता है। तुम भी बोलो ना। नहीं नहीं, मैं क्या। बता ये मास है या नहीं? ये सच कह रही है भाई। मास चाहिए मुझे। क्यों सबको मार रहे हो? वो मास नहीं, गणेश भैया है। वो हमारे लिए एक भगवान है। भगवान है? तो फिर क्या, उसकी आरती उतार के पूजा करो। नहीं नहीं, क्या ले जा रहे हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। ये सब
हुआ? गणेश गणेश कह के हम सबको धोखा दिया। हाँ वही कसूरवार है। धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, हमने उसे अपने साथ रहने दिया, यही हमारी गलती है। भैया के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो यहाँ रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। सत्य और शत्रु की वजह से उन्होंने भी हमारी तरफ बहुत कुछ खोया है। अंजलि, क्या कहा था तूने? मुझे देखकर तुझे तरस आता है, पर अब तुझे डर लगेगा। इनको बचाने मास यहां जरूर आएगा और तेरी आंखों के सामने उसे काटूंगा। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? भैया क्या छोड़ दूं इन दोनों को? मास डैडी को घर से उठा ले गया। अब तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तरस आ रहा है। क्या देख रहा है, बड़े थकेले? मुझे खाएगा क्या? एक पैर वाले मुर्गे को इतना घमंड? मेरे एक इशारे पर ये सब लोग मिलकर तेरा कचूमर बना डालेंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए तुझे जीना होगा। आज तुझे मेरे बारे में कोई अंदाजा नहीं है। खुद को बड़ा तुर्रम खान समझ रहा है? एक महीने से तुम दोनों बाप बेटों पर मौत बनकर मंडरा रहा हूं मैं। मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। अबे किस पे नाज कर रहा है बे? तू समझ रहा है कि तेरी हुकूमत है यहाँ? अबे धूल चटा दिया तेरे को, और मैंने जो जो वादा किया उसे निभाया। मैंने कहा था पहली को आऊंगा, आ गया मैं, यही बैठा हूँ। ए सत्या, बुला अपने बेटे को, बवंडर बवंडर उठा दूंगा।
उसे मारो मारो। तेरे बोलने पर ही वो उठेगा क्या? चलो वहां से, उठाओ उसे, उठाओ उसे, उठा। Más, 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 más,